बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी ब्यूटी टिप्स में खुश आमदीद। आज हम वाइटनिंग सीरम बना रहे हैं, जिसके लगाते ही स्किन ना सिर्फ वाइट होगी बल्कि सॉफ्ट और स्मूथ भी होगी। मौसम के बदलते ही चेहरे और हाथों की स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है और कलर भी डल होने लगता है। ये सीरम स्किन को गोरा करने के साथ साथ स्किन को ड्राई होने से बचाएगा और झुर्रियाँ भी ख़त्म करेगा। आप इस सीरम को एज ए नाइट क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ देसी ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मुफीद और मालूमती वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें और साथ ही लेडीज़ कलेक्शन की नित नई वैरायटी हर रोज़ आपको मिलती रहे। इस सीरम को बनाने के लिए सबसे पहले हम ले रहे हैं चावल का पानी। चावल को उबालने के बाद पानी को छानकर निकाल लें। चावल का पानी हमने छान लिया है, इसके 4 टेबलस्पून हमने लेने हैं। चावल का पानी हमारी स्किन को वाइट करने के साथ साथ स्किन को नरम मुलायम भी बनाएगा। अब इसमें विटामिन ई का एक कैप्सूल डाल दें। विटामिन ई का कैप्सूल स्किन को ड्राई होने से बचाएगा और स्किन को सॉफ्ट और ग्लो करेगा। अब इसमें 1/2 टीस्पून आलमंड ऑयल डाल दें। आलमंड ऑयल स्किन को नमी फ्राहम करने के साथ साथ स्किन को हमेशा जवां रखेगा। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके अपने हाथों, चेहरे, इवन के पाँव पर भी लगा सकते हैं। सीरम को लगाकर 5 मिनट सर्कल्स में मसाज करें, फिर आधे घंटे के लिए छोड़ दें। आधे घंटे बाद सादे पानी से वॉश कर लें। दिन में 2 बार यूज़ करें। इंशाल्लाह पहली बार के इस्तेमाल से ही रंगत निखर जाएगी और स्किन सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएगी। इसे आप एज ए नाइट क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। सारी रात के लिए इसे चेहरे और हाथों पर लगा लें और सुबह को वॉश कर लें। इसे बनाकर फ्रिज में रख लें, 4 से 5 दिन तक ये चल जाएगा। ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।